नमस्ते साथियों, मैं महादेवी बोल रहा हूँ। आज आपके बीच में मैं कुछ पेंडिंग GDS इश्यूज के संबंध में बात करने के लिए बैठा हूँ। साथियों, हम लोगों मालूम है, वेबसाइट में भी डाला है, हमारा सोशल मीडिया में भी डाला है, ये दोनों यूनियन की तरफ से NUGDS और AUGDS की तरफ से डिपार्टमेंट का दोबारा हम लोग ने एक लेटर भी लिखा है। क्या लिखा है? यदि आप लोग जल्दी हमारा पेंडिंग इश्यू सेटल नहीं किया हो तो हम लोग दोबारा ट्रेड यूनियन एक्शन का आप लोगों को मजबूर कर सकता, इसलिए इसके लिए आप लोगों जल्दी मीटिंग करके हमारा मुद्दा उनको समाधान करो करके बोला है। इसके होने के बाद भी हम लोग कल डाक बोन गए था, ये डाक बोन में बहुत ऑफिसर्सों से मिला। ये प्रस्तुत परिस्थिति ऐसे है साथियों, कोई अभी ये तीन चार मुद्दा हम लोग समाधान करेगा करके लिखित में दिया था, परंतु इसमें लोग 15-20 दिन के अंदर हम लोग मीटिंग बुला के आपको बताएगा करके बोला था, परंतु बीच में कुछ मेंबर भी फॉरेन का एक कोई दूसरी संस्था में ट्रांसफर हो, ये लोग डेप्टेशन पर जाने पर ये पद रिक्त हो गया और DDG एस्टैब्लिशमेंट इत्यादि में नया ऑफिसर आया है। इसमें ये लोग अभी छुट्टी पर है, हो सकता है अगली सोमवार को ये लोग ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद तो ये लोग मीटिंग करके हमारे साथ बैठक के लिए एक डेट निर्धारित करेगा। फिर भी ये डिपार्टमेंट में कुछ मेडिकल के संबंध में हेल्थ मिनिस्ट्री का लेटर लिखा गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री हमारा GDS का हेल्थ स्कीम के संबंध में दूसरी कुछ नोडल मिनिस्ट्री के लिए लेटर लिखा करके कल बोल रहा है, एक मतलब एक प्रगति कर रहा है। इस जवाब आने के बाद इसे कंक्लूड इसमें पता लगेगा। और एक मुद्दा है 12-24-36 है, आपको मालूम है कमलेश चंद्र कमेटी के ऊपर एग्जामिन दोबारा ये लोग कर रहा है। हमारा GDS सेक्शन से हमारे डिपार्टमेंट ने ये इसका फाइल का बना के वित्त मंत्रालय का भेजा गया था, वित्त मंत्रालय के फिर आंतरिक एडवाइजर्स ने इसमें कुछ दोबारा का क्वेरी लगाया है। क्वेरी क्या है आपको मालूम होगा, कमलेश चंद्र कमेटी ने ये पोस्ट ऑफिसर्स का चार कलर बनाने का, चार कैडर बनाने का बोला था, मतलब 100% प्रॉफिट आने वाला का हरा कलर देने के लिए और दूसरी रोज कलर, रेड कलर, इस तरह पिंक कलर, इस तरह चार कलर बनाने का बोला था। इसमें एक एक से एक शिफ्ट हुआ हो तो उनको 5% इंसेंटिव देगा, ये देना चाहिए करके कमलेश चंद्र रेकमेंड किया था। वित्त मंत्रालय ये मांग रहे, इस पर आप डिपार्टमेंट का क्या बात है? अभी हम लोग माम बोला है हमारा इस संबंध में अभी पहले क्या चल रहा है, ये चल रहा रेवेन्यू बेस अभी करने के लिए अभी परिस्थिति नहीं है, इसमें एग्जामिन नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं किया, इसलिए हमारा GDS एम्प्लॉयज के लिए ये सीनियर सर्विस के आधार पर प्रमोशन मिलना चाहिए, इसका हम लोग फिर बात करेगा, पहल पूरा करके भेजेगा करके बोल रहा है। साथियों उम्मीद है, मतलब इसका कुछ समय लगेगा। और तीसरी मुद्दा है ये GSA, इसका लगभग PLIC द्वारा मीटिंग वगैरह पूरा हो चुका है। ये उम्मीद जताया जा रहा है अगली फरवरी के अंदर इसमें फाइनल नतीजा निकल सकता, आदेश वगैरह होने को उम्मीद है। और दूसरी पेंशन का SDBS इत्यादि पर चर्चा एग्जामिन चल रहा है, अभी इसमें हम लोग पेरियाडिकल मीटिंग में भी एक मुद्दा उठाया था, इस पर अभी हम लोग मिनिट्स तक कोई अभी आया नहीं, इसके बाद हम लोग एग्जामिन करेगा बोल रहा है। यही ये परिस्थिति में मीटिंग में हमारा कल का मीटिंग में डिपार्टमेंट का पोजीशन बताया गया। उम्मीद कर सकता इस महीने के अंदर और एक बार डिपार्टमेंट के साथ ये पेंडिंग इश्यूज के संबंध में मीटिंग होगा। ये सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग बरखा रहा है, कुछ लोग गलत ये कर रहा है, ये 12-24 के पीछे ये यूनियन में सभी नीचे एक साल से लेके एक महीने से लेके ईडी अपॉइंटमेंट हो गए तो रिटायर होने तक का उनको सारे का हित देखने के लिए जिम्मेदारी AIGDS करता है। AIGDS एक किसी वर्ग का नेग्लेक्ट नहीं करेगा और किसी वर्ग का ऊपर उठा के भी नहीं जाएगा। एक यूनियन होता है, ये यूनियन एक माह की तरह होता है, ये सारे GDS का हित में ध्यान रखते हुए जाने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए इस पर किसी का भी
आशंका होता है, कुछ लोग यदि 12, 24, 36 पोलो हो तो कुछ लोग सिविल सर्वेंट सारे बहुत है, हमारा सिविल सर्वेंट और सीनियर्स का सारे मुद्दा दो एक आदमी का दोनों अंग की तरह है। हम लोग ये 12, 24, 36 से 12 कुछ कुछ मुद्दा मिलने तक को सिविल सर्वेंट नहीं होगा, सिविल सर्वेंट के लिए एक मोड आना पड़ेगा, ये मोड आया नहीं है। अभी हम लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, हमारा संगठन तैयार है हड़ताल के लिए, परंतु बाकी संगठनों को साथ देने का बात है, इधर सभी का जीडीएस का जोड़ने के बात है, इस पर भी हम लोग सीएच को का काम कर रहा है। हाल ही में इस संबंध में हम लोग कुछ लोगों से चर्चा भी किया है, ये चर्चा करके हम लोग सारे ही जीडीएस को मास को आगे लेने के आगे जाने के लिए हम लोग और एक दो कदम बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता, धन्यवाद।